दोस्तों, पल्स की तरफ से सभी भ्रम भ्रांतियों को दूर करने वाली एक बहुत बड़ी लेटेस्ट न्यूज़ हमारे पास आई है। दोस्तों, ये लेटेस्ट न्यूज़ निवेशकों को आगाह करने के लिए, फर्जी ईमेल पर ध्यान ना दें, फर्जी लिस्टों पर ध्यान ना दें। जी हाँ दोस्तों, जो यूट्यूब पर फर्जी यूट्यूबर परोस रहे हैं और उन पर टिक मार कर कर आपको दर्शाते रहते हैं कि 50,000 या 1 लाख वालों का रिफंड चालू हो गया, तो उस सब बातों को लेकर यहाँ पर सेबी भाग की तरफ से एक बहुत बड़ी सूचना आई हुई है। और ये सूचना जो आई हुई है, इस सूचना के आधार पर हम देख रहे हैं कि ये सूचना 1 हफ्ते से ज़्यादा हो चुका है इसे आए हुए, लेकिन अभी तक निवेशकों को गुमराह होने से ना तो ये सेबी की अपडेट रोक पाई है और ना हम लोगों का बताना उनको रोक पाया है, क्योंकि ऐसी गलत तरीके की न्यूज़ें आ रही हैं दोस्तों। इस तरीके से गलत लिस्टें बनाई जाती हैं और जिन पर मार्किंग कर कर दिखाया जाता है। ये सब लिस्टें दोस्तों अपने तौर पर अपनी साइट बना लेते हैं और उस साइट पर जो उनका मर्जी आता है उतना बड़ा रिफंड बनाकर आपके सामने पेश करते हैं, और उस पर आप लोग पूरी तरीके से ध्यान केंद्रित कर कर और अपने आपस में जो आपके एजेंट हैं और टीम वाले हैं उनमें जाकर आप उन लिस्टों को दिखाते हैं और कहते हैं कि रिफंड मिलना शुरू हो गया, आप लोग दिखाते नहीं। तो इस तरह की जो शिकायतें इस वक्त सेवी भाग पर भी पहुंची हैं, उन सेवी भाग पर जो पहुंची हैं इस तरह की गलत खबरें, तो उसके आधार पर उन्होंने निवेशकों के लिए एक अपनी लिस्ट जारी की है और उसमें उनको सचेत किया है। आइए दोस्तों पढ़ते हैं कि वो लिस्ट क्या है। नई दिल्ली पीटीआई पल्स के निवेशकों के लिए एक नई खबर आई है। बाजार नियामक सेबी ने निवेशकों को सतर्क किया है, यानी कि आपको सावधान किया है अपने रिफंड के लिए, न तो किसी व्यक्ति को अधिकृत किया गया है। जी हाँ दोस्तों, किसी को यहाँ पर कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है और न ही किसी को रिफंड के लिए अथॉरिटी लेटर जारी किया है। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने साफ तौर से यहाँ पर कह दिया है कि ऐसी कोई लिस्ट किसी प्रेस विज्ञप्ति के आधार पर जारी नहीं की गई है, ना किसी को ऐसा कहा गया है। तो दोस्तों, उसके लिए यहाँ पर सारी भ्रम भ्रांतियाँ दूर करने के लिए इन्होंने साफ तौर से कहा है कि सेबी ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि जस्टिक आरएम लोढ़ा के नेतृत्व वाली कमेटी को निवेशकों के ऐसे शिकायतें मिली हैं कि उन्हें पल्स रिफंड ईमेल मिल रहे हैं कि वे रिफंड के दावे के लिए आवेदन फॉर्म दाखिल करें। यहाँ दोस्तों, ये इस तरीके की भी लिस्टें बनाकर चालू कर रखी हैं और आगे कहा है कि सेबी पल्स सेबी रिफंड द्वारा भेजी जाने वाली ईमेल में निवेशकों को सेबी द्वारा जारी किया गया अथॉरिटी लेटर दिखाया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये हम आप लोगों से गला फाड़ फाड़ कर कह रहे हैं कि ऐसी गलत लिस्टों पर और ऐसे गलत अथॉरिटी लेटरों पर ध्यान ना दें, और ऐसी भ्रामक न्यूज़ों पर आप लोग ध्यान देंगे तो स्वाभाविक है कि आपका पैसा मिलते हुए भी नहीं मिल पाएगा। आगे खबर है कि शंकर IAS के नाम ईमेल के अनुसार इन्हें रिफंड से जुड़े मुद्दों को निपटाने की जिम्मेदारी दी गई है। इस संदर्भ में सेबी ने स्पष्ट किया कि यह सूचित किया जाता है कि कमेटी सेबी ने न तो रिफंड से जुड़े मसलों को किसी व्यक्ति को अधिकृत किया है और न ही किसी अथॉरिटी लेटर जारी किया है। सेबी यह भी स्पष्ट किया है कि सेबी ने कि इस ईमेल या सेबी या कमेटी से कोई वास्ता नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ईमेलों का और ऐसी लिस्टों का सेबी विभाग से कोई वास्ता नहीं है। तो दोस्तों, ऐसे गलत भ्रम भ्रांति वाली जो आप न्यूज़ देखते हैं ऐसे चैनलों पर आप अपनी जो है ध्यान ना दें, और अगर आपने गलती से ऐसे ईमेलों को या इस तरीके की न्यूज़ों को आपने देख लिया है तो उन पर बिल्कुल यकीन ना करें, क्योंकि दोस्तों ये जो आपको सेबी विभाग की तरफ से सूचना दी गई है वो यही दी गई कि जो भी आपके लिए सूचना आएगी इनकी ही वेबसाइट पर। जी हाँ दोस्तों, पल्स की जो अपनी वेबसाइट ओरिजिनल वेबसाइट है उस वेबसाइट तक आपको हर एक आपकी अपनी नोटिफिकेशन मिल जाती है। तो दोस्तों, आपसे हमारा अनुरोध है कि इस बड़ी सेवी भाग की तरफ से जो हमारे पास आप लोगों को आगाह करने के लिए, आप लोगों को सचेत करने के लिए, आप लोगों को सावधान करने के लिए, आप लोगों को
चौकस करने के लिए ये भेजी गई सेबी की तरफ से जो जानकारी है, आप लोग इस पर ध्यान दें, अन्यथा आप लोगों का ही इसमें नुकसान है। दोस्तों थोड़ी बात को हमारी आप ज़्यादा समझें कि हम आप लोगों के हितों के लिए ही ये वीडियो आपको प्रॉपर दिखा रहे हैं। इस वीडियो को मैं लगभग दो दफ़ा आप लोगों तक पहुंचा चुका हूं, इस लिए कि आप ऐसी फ़र्ज़ी ईमेल और फ़र्ज़ी लिस्टों से दूर रहें, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो और आपके पैसे मिलने में कोई रुकावट ना हो। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छी नई अपडेट लेकर। तब